सुनंदा पुष्कर का जन्म 1 जनवरी 1962 को हुआ। दोस्तों, वे मूलतः भारत प्रशासित कश्मीर के सोपोर की रहने वाली थीं। उनके पिता पीएन दास भारतीय सेना में वरिष्ठ अधिकारी थे। सुनंदा ने श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन से स्नातक की पढ़ाई की थी। थरूर के साथ उनकी तीसरी शादी थी। उनकी दूसरी शादी से सुनंदा का एक बेटा है जो कि 21 साल का है। सुनंदा पुष्कर का नाम सबसे पहले 2010 में आईपीएल की कोच्चि टीम की खरीद से जुड़े एक विवाद में सामने आया। इस टीम की खरीद में थरूर की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए थे। दोस्तों, मामला इतना बढ़ा कि थरूर को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा तक देना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल किया गया। इस विवाद के बाद सुनंदा पुष्कर को भी कोच्चि टीम से अपनी हिस्सेदारी छोड़नी पड़ी थी। इससे पहले वे दुबई की कंपनी में काम करती थी। उस समय थरूर ने सुनंदा पुष्कर से अपने रिश्तों की बात कबूल की थी और अगस्त 2010 में उन दोनों ने शादी कर ली। अक्टूबर 2012 में हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी रैली के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनंदा पुष्कर को एक 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करार दिया। ये बयान राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया पर चर्चा का मुद्दा बन गया था। इसके जवाब में शशि थरूर ने ट्विटर पर ट्वीट किया और मोदी को सलाह दी कि प्रेम की कोई कीमत नहीं होती। इसके बाद भी थरूर और पुष्कर के बारे में बीजेपी के हमले जारी रहे। दोस्तों, भाजपा के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी के एक बयान में थरूर को लव गुरु की उपाधि दे डाली और कहा कि अगर देश में लव मंत्रालय बनता है तो उस मंत्रालय का पदभार थरूर को ही दिया जाना चाहिए। दोस्तों, दिसंबर 2013 में सुनंदा पुष्कर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 370 की समीक्षा होनी चाहिए। दोस्तों, एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि संविधान 370 पर फिर से विचार करने की बेशक जरूरत है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव होता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से मेरी दोस्त ने मुझे बताया है कि किसी गैर कश्मीरी से शादी करने के बाद हम लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलती। जो लड़कियां कश्मीर की ना होते हुए भी कश्मीरी परिवार में शादी करती हैं तो उन्हें सरकारी नौकरियां मिल जाती हैं और उनके बच्चों को सभी अधिकार मिलते हैं। 15 जनवरी 2014 को अचानक थरूर और सुनंदा पुष्कर के रिश्ते पर सवाल उठ खड़े हुए, जब शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान की पत्रकार मेहर तरार को किए गए कुछ ट्वीट सामने आए जिनसे लगता था कि उन दोनों के बीच संबंध हैं। इसके बाद थरूर ने ट्वीट किया कि अकाउंट हैक कर लिया गया था। उधर पाकिस्तानी पत्रकार तरार ने ऐसे किसी संबंध से इनकार कर दिया। विवाद के बढ़ने के बाद थरूर और पुष्कर ने एक साथ संयुक्त बयान जारी करके कहा कि हमारा वैवाहिक जीवन सुख से बीत रहा है और हम चाहते हैं कि यह ऐसे ही रहे। तो दोस्तों, ये थी सुनंदा पुष्कर की बायोग्राफी। धन्यवाद।